So Mr. Hari, a property dealer, sold a building in the course of his business to his friend Rajesh, who is a dealer in automobile spare part, for 90 lakh as on 1/1/2020, when the stamp duty value was 150 lakh. So kya bata raha hai? Jab wo transfer kiya on date of transfer, to actual consideration usne jo charge kiya hai wo 90 lakh ka hai. Lekin us din pe stamp duty value 150 lakh thi. Aage dekho. The agreement was, however, entered on 1st September 2019, when the stamp duty value was 140 lakh. Ab mara mari kiski ho rahi hai? Stamp duty value as on date of registration and stamp duty value as on date of agreement. ठीक है ना? तो दोनों में से कौन सा लेते हैं? फिर से पूछ रहा हूँ आप लोगों को. Stamp duty value as on date of registration लिया जाएगा या date of agreement का लिया जाएगा? जल्दी बोलो. Compare तो करना पड़ेगा हमें. मुझे यहाँ पे stamp duty value डाल के compare करना पड़ेगा. लेकिन कौन सा stamp duty value लो? डेट ऑफ अग्रीमेंट का या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का? जल्दी बोलो. मोड ऑफ पेमेंट चेक करेंगे. मोड ऑफ पेमेंट चेक करेंगे. मिस्टर हरी हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट मिला था उनको 15 लाख बाय अ क्रॉस चेक. क्रॉस चेक, क्या क्रॉस चेक हमारे लिस्ट में है? क्या क्रॉस चेक हमारे लिस्ट में था? ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट इसने क्रॉस चेक लिया हुआ है. कैश लेने जैसा ही हो गया हो. क्या हमारे लिस्ट में था? हमारे लिस्ट में क्या क्या है? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, क्रॉस चेक को हम कंसिडर नहीं करते, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा. ठीक है ना? डेट ऑफ अग्रीमेंट की डेट को, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा. तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट वीक होगा. तो मुझे यहाँ पे 150 लाख लिखना पड़ेगा. बट 43 सी ए क्या करेगा? विच एवर इज हायर लेगा ना. सेक्शन 43 सी ए क्या बोलेगा मुझे? सर आपको अभी टैक्स भरना पड़ेगा विच एवर इज हायर के ऊपर. तो विच एवर इज हायर में मेरा सेल प्राइस कितना हो जाएगा? सेल कंसिडरेशन 150 लाख. दो मैंने कितना दिखाया गवर्नमेंट को? 90 लाख. लेकिन गवर्नमेंट मेरे से टैक्स कितने पे लेगा? 150 लाख पे. आप समझ रहे हो दोनों में क्या फर्क है? कोई भी 150 लाख का लैंड 90 लाख में देगा क्या दोस्ती खाते में? 60 लाख का डिस्काउंट दे आप लोग दोस्तों को? नो. नहीं तो वो 60 लाख क्या है बताओ ना. गवर्नमेंट का क्या अजम्पशन है? वो 60 लाख क्या है? ब्लैक मनी है. ठीक है ना? तो डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड राजेश. दोनों का बताना है. अज्यूमिंग दैट हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 75 लाख ऑन 12th जुलाई 2018. ये ओडी और आंसर के बाद में बात कर लेंगे, पहले जितना है उतनी की बात कर लेते हैं. हरी के हाथ में तो क्या होना था मैंने आपको बता दिया. उसका कॉस्ट है 75 लाख और सेलिंग प्राइस है 150 लाख. तो पीसीबी पे कितना हो गया? पीजीबीपी कितना हो गया? 75 लाख. तो पीजीबीपी अपना कितना हो गया? 75 लाख. तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को. ठीक है ना? पहले इस साइड वाली सिचुएशन देख लेते हैं. इन द हैंड्स ऑफ हरी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 सी ए वुड बी अट्रैक्टेड सिंस द बिल्डिंग रिप्रेजेंट हिज स्टॉक इन ट्रेड and he has transferred the same for a consideration less than the stamp duty value and the stamp duty value exceeds 105. wo bhi to hume check karna tha na. 90 lakh ka 105% kitna aata hai? 90 lakh ka 105% aata hai 94.5 lakh. अगर इतना ही इतने तक ही गैप होता तो हम इसको इग्नोर करते, लेकिन गैप इससे ज्यादा है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो पक्का सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी अडॉप्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 43 सी ए द ऑप्शन टू अडॉप्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इफ होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड एज ऑन डेट. देखो हैज बीन रिसीव्ड ऑन आर बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय वे ऑफ. बोलो चार कौन से एक्सेप्टेड वे है? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस थ्रू अ बैंक अकाउंट थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है ना? फ्रॉम प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट. इन दिस केस इन द डाउन पेमेंट वॉज रिसीव 15 लाख इज रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय क्रॉस चेक एंड नॉट द अकाउंट पे चेक द ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज. तो ये ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा. Therefore, 75 lakh being the difference between stamp duty value as on date of transfer agreement, date of agreement ko ignore karna hai, transfer ko consider karna hai, and the cost price 75 lakh will be considered the business income. Kya Hari ki baat clear hai? Hari ke haath mein kya wo clear ho gaya aap logon ko? Yes. Ye PGBP ka implication ho gaya. Ab na Rajesh ki baat karte hai.
राजेश ने हरि को ब्लैक दिया, मतलब राजेश ने भी ब्लैक कमाया होगा, तो राजेश के भी कान हमें घुमाने चाहिए कि आपके पास ब्लैक आया तभी तो आपने ब्लैक दिया होगा हरि को। ये समझ रहे हैं आपको मैंने क्या बोला? हमने अभी ट्रांसफरर की बैंड बजाई। ट्रांसफरर की बैंड कौन से सेक्शन में बजाई हमने? सेक्शन 43 सी में। अब ट्रांसफरी की कौन से सेक्शन में बजेगी, जल्दी बताओ, सेक्शन तो गेस करो। गिफ्ट क्यू, एक वर्ड सुनना चाहता हूं तुम लोगों से, एक वर्ड। गिफ्ट क्यू परचेस किया ना इसने, तो राजेश ने तो प्रॉपर्टी परचेस किया हरी से, तो गिफ्ट क्यू 150 का एडिक्वेट कंसीडरेशन। अरे बाबा, उसका मार्केट वैल्यू या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 150 लाख है, आपको 90 लाख में मिला, वेरी गुड। आपके हाथ में तो 90 लाख या मतलब 150 लाख माइनस 90 लाख, 150 लाख माइनस 90 लाख कितना होता है? 60 लाख। 60 लाख का तो आपने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन दिया है। जितना इनएडिक्वेट कंसीडरेशन दिया है, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन बोलो, पहला कंडीशन क्या चेक करते हैं हम? इज इट, इज द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 50,000, बोलो। ये 60 लाख जो है, इज इट मोर देन 50,000, यस और नो? यस। एंड दूसरा कंडीशन क्या चेक करते हैं? दूसरा कंडीशन, डिफरेंस का जो परसेंटेज होना चाहिए, it should be more than 105, it should be more than 5% of actual consideration. So actual consideration to 90 lakh tha, 90 lakh ka main 5% fir se nikal leta hu, koi problem nahi hai, 4.5 lakh, to kya 60 lakh 4.5 lakh se zyada hai? Haan. Haan. Comply ho gaye, to immovable property taxable ho jayegi. Dekho kya bolta hai, since Rajesh is a dealer in automobile spare parts, the building purchase would be a capital asset. अगर ये भी बिजनेस में ही होता तो इसका पीजीडीपी में ही कैलकुलेशन होता, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल के बिजनेस में है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 वुड बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश who has received the immovable property being a capital asset for inadequate consideration. ये वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, फॉर inadequate consideration. And the difference between consideration and stamp duty value exceeds 4,50,000. 4,50,000 कहाँ से लाया? 5% of actual consideration, वो है 4,50,000. Therefore, 60 lakh being difference between stamp duty value of the property on the date of registration, ठीक है ना? If 150 lakh लिया and the actual consideration 90 lakh would be taxable under section 56 subsection 2 clause 10 in the hands of Mr. Rajesh, since the payment on the date payment on the date of agreement is made by cross check. Cross check से नहीं देता, कम से कम 10 लाख बच जाते, 10 लाख का taxation बच जाता अगर account पे ही check देता तो, क्योंकि date of agreement consider किया जाता. Okay, तो यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको मुझे क्या बताना है? देखो, एक बात आपको समझना है, आपको समझना चाहिए double taxation. देखो, double taxation कैसे हुआ? हरी ने government को बताया कि मेरा selling price जो है ना 90 लाख का है. हरी ने government को क्या बताया? मेरा selling price जो है 90 लाख का है और मेरा cost price जो है वो 75 लाख का है. तो ना सर, ना मेरा प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट जो है वो खाली 15 लाख का है. ये गवर्नमेंट को उसने बताया, लेकिन गवर्नमेंट ने सेक्शन 43 सी लगाया, सीए 43 सीए लगाया, और गवर्नमेंट ने बोला साहब आपका 90 लाख नहीं है, हम मानेंगे ये आपका 150 लाख है, ठीक है ना. तो यहाँ पे 60 लाख का एडिशन हुआ और कॉस्ट तो वही 75 लाख हो गया, तो आपका प्रॉफिट 75 लाख से हो गया. तो आप समझ रहे हो, हरी के हाथ में 60 लाख रुपया टैक्सेबल हो गया एडिशनल 43 सीए के वजह से. ये हरी के हाथ में 60 लाख रुपए का इनकम बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने, समझ रहे आपको? और राजेश को क्या बोला? राजेश जी आप आओ जरा इधर अंदर, ठीक है ना, आपने कितने का प्रॉपर्टी खरीदा? राजेश जी ने बोला 150 लाख का. कितने में खरीदा? उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? 150 लाख. कितने में खरीदा? एक्चुअल कंसिडरेशन कितना दिया? 90 लाख. कितने का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया? 60 लाख का. क्या 60 लाख 50,000 से ज्यादा है? राजेश ने बोला हाँ. क्या 60 लाख 5% मतलब 5% है? हाँ है.
तो सर इसके ऊपर तो एक तो आपका गिफ्ट हो गया और गिफ्ट पर टैक्स होता है, तो आपको समझ रहा है 60 लाख के ऊपर हरि ने भी टैक्स भरा और 60 लाख के ऊपर राजेश ने भी टैक्स भरा, क्योंकि गवर्नमेंट मानता है कि 60 लाख ब्लैक में राजेश ने हरि को दिया होगा, देने वाला भी पापी और लेने वाला भी पापी, ये डबल टैक्सेशन है और ये इंटेंशनली क्रिएट किया हुआ डबल टैक्सेशन है। इंटेंशन है गवर्नमेंट का यहाँ पे डबल, इंटेंशन है गवर्नमेंट का, इंटेंशन ही क्या है यहाँ पे डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन। इंटेंशन ही यहाँ पे डबल टैक्सेशन है, गवर्नमेंट चाहता है कि दोनों मरे, ट्रांसफरर भी मरे और ट्रांसफर ही भी मरे, तभी तो ब्लैक को कंट्रोल किया जाएगा मार्केट में, नहीं तो ब्लैक कैसे, इतना होने के बाद भी हरामी लोग ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे आप बताओ, करते हैं सब लोग करते हैं, मुझे पता है, मुझे खुद को पता है करते हैं, मैं तो सीए हूं ना, मुझे तो पता ही है करते हैं लोग, फोन कर 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 पूछते हैं कभी कभी, पैसे भी नहीं देते हम लोगों को ये सब बातें पूछने की, मैं तो चाहता हूँ साले लोगों को गवर्नमेंट पकड़े। हाँ ये तुमको समझा, पैसे बता दे वैसे वो पकड़े जाए। हाँ नहीं ऐसे होनी चाहिए इनको, तो मतलब मैं तो मुंबई में रहता तो सिद्धिविनायक में नारियल चढ़ाता कि ऐसे लोग भी मतलब मरे करके। सिचुएशन ये क्लियर है तो मैं आगे कर चलता हूँ, मेरा ना थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है सॉरी। हाँ वो मैं अभी फोन पे ही बात कर रहा था मेरे फ्रेंड से, इसकी पूरी 12 लोगों की फैमिली हैज बीन टेकन इन हॉस्पिटल एंटिल नाउ 4 out of 12 मेंबर्स हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव, तो थोड़ा वो टेंशन चला माय बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में वो सब चल रहा है, फ्रंट में मिस क्वेश्चन पे हूँ। चलो आगे चलते हैं, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ हरि वॉज शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर, जो ट्रांसफरर है वो बता रहा है शेयर ब्रोकर होता तो क्या चेंज हो जाता, मुझे आप बताओ। अभी हमने जो सेक्शन लगाया 43CA लगाया, क्यों 43CA क्यों लगाया, क्योंकि उसके लिए जो बिल्डिंग था वो स्टॉक इन ट्रेड था, अगर वो शेयर ब्रोकर होता तो बिल्डिंग उसके लिए क्या होता, जल्दी बोलो, अगर वो शेयर ब्रोकर होता मतलब उसके लिए बिल्डिंग क्या होता, शेयर ब्रोकर के लिए बिल्डिंग क्या है, बिल्डर के लिए बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, तो शेयर ब्रोकर के लिए बिल्डिंग क्या है, कैपिटल असेट, कैपिटल असेट है, तो 43CA नहीं लगता ना, 43CA तो PGBP में लगता है, तो क्या लगता, 50C, तो 50C लगता, होना तो सब कुछ वही है जो 43CA में हुआ, लेकिन खाली सेक्शन चेंज हो जाएगा, आपको दिख रहा है आंसर तो वही है, 75 लाख ही टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम पे, लेकिन 50C लग जाएगा यहाँ पे, और राजेश इज इनडिफरेंट, राजेश के हाथ में इनडिफरेंट, गिफ्ट आपने क्या फॉर्म में लिया है, कहां से लिया है, बिल्डर से गिफ्ट लिया हुआ है कि अपने फ्रेंड से गिफ्ट लिया हुआ है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, उसका हमको लेना देना नहीं है, तो इस साइड में 56 सबसेक्शन 2 ही लगता है, तो आपको याद क्या रखना है, ट्रांसफरर जो होता है ना, ट्रांसफरर उसके पास चॉइस है, ट्रांसफरर के पास चॉइस है, मतलब देयर आर टू सिचुएशन, ट्रांसफरर का अगर असेट, ट्रांसफरर का असेट अगर एस आई टी होगा तो उसको 43CA लगेगा, ठीक है ना, और ट्रांसफरर का असेट अगर कैपिटल असेट होगा तो उसको 50C लगेगा, लेकिन ट्रांसफरी के केस में दोनों केस में यहाँ पे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ही लगेगा, क्योंकि वहां पे फर्क ही नहीं पड़ता ट्रांसफरी को कि उसने किसी का स्टॉक इन ट्रेड परचेस किया कि कैपिटल असेट परचेस किया, इनएडिक्वेट है उतना खत्म, तो ये स्टोरी आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए, क्या ये समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये आंसर है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल डाउनलोड करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो कि प्रॉपर्टीज के डीलिंग कैसे किए जाते हैं और कैसे बचाना है, ठीक है ना, असेसी को कैसे बचाना पड़ेगा, कैसे उनको राइट गाइडेंस देना पड़ेगा, ये आप लोगों को अभी पढ़ना चाहिए, अभी से पढ़ना चालू करोगे फाइनल होते होते शायद चीजें समझ में आ जाएंगी, और साइड बाय साइड प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जो चल रहा है आंख कान खुले रखो, देखो क्या होता है, कहाँ पे इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, कौन फंस रहा है, कौन नहीं फंस रहा है, कैसे वो लोग यहाँ से भागने का तरीका निकालते हैं, ये आप लोगों को सब देखना चाहिए, इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने मुझे जो पढ़ाना था डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, यस सर, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके मॉडल में भी, मुझे जो जो बताना था एकदम डिटेल में मैंने सब बता दिया है, ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करने मिलेगी, तो आप आराम से बैठ के कोरिलेट करो, पढ़ो, नहीं समझा तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से आपका क्वेश्चन भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप अपना ट्राई तो दो, अपना ट्राई दोगे तो मैं बात करूंगा ना,
यस बॉस यस सर ओके चलो मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ गिफ्ट्स के बात कर लेते हैं. आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी की जितनी होनी थी सारी बातें मैंने सीए के मॉड्यूल में से कवर की. सीए में के क्वेश्चन पेंडिंग आपके लिए होमवर्क के लिए रखा हुआ, इसके ऊपर जो भी बातें गई है वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना. मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे मॉड्यूल में. As on 10th August 2020, नरेंद्र रिसीव्ड गोल्ड नेकलेस. पहले तो बताओ क्या ये डीजे साहब है? ये बोलो पहले तो, गोल्ड नेकलेस डीजे साहब में आता है कि नहीं आता? आता है. फिर मार्केट वैल्यू उसकी 1,85,000 है फ्रॉम विवेक विदाउट एनी कंसिडरेशन. बोलो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बोलो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा. ठीक है ना, होगा. पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए. सिन द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सिड्स 50,000 हेंस द प्रोविजन इज एप्लीकेबल एंड कॉन्सिक्वेंटली 1,85,000 विल बी टैक्सेबल. ये तो क्लियर है. अब मुझे एक बात बताओ, इसने 1,85,000 पे टैक्स भर दिया है, आगे जाके जब बेचेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाएगा सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 में? 1,85,000 जो जिसके ऊपर उसने टैक्स भर दिया है वो उसकी कॉस्ट बन जाती है. पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से चालू होगा, प्रीवियस ओनर की करंट ओनर? पीरियड ऑफ होल्डिंग 49.1 में जब होता है तो प्रीवियस ओनर से आता है, 49.4 में जब होता है तो करंट ओनर का ही होता है. बात क्लियर है? और विवेक ने जिसने गिफ्ट दिया था, क्योंकि ये ट्रांसफर इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 47 में वो टैक्स है. ओके चलो आगे का करते हैं. On 10th 2019, Mohan received shares. पहले बताओ shares DJ साहब है कि नहीं है? बोलो है. From his friend Uttam, और उसका fair value है 36,000 and not acquired through ESOP. Fair value 36,000 है. Further on 1/11 he also received gold chain. खाली अगर इतना होता तो टैक्स नहीं होता ना, समझ रहे आपको? खाली 36,000 आप लेते तो टैक्सेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता? 50,000 के नीचे है. ये समझा आप लोगों को? हाँ. लेकिन आगे जाके गोल्ड चेन मिला 30,000 का विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम अनदर फ्रेंड. एग्रीगेशन हो जाएगा, 36,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 56,000 हो गया. नहीं, 66,000 हो गया. 66,000. तो ये तो 50,000 के ऊपर चला गया. ये तो फुल्ली टैक्सेबल होगा ना, अभी एग्रीगेट लग जाता है. दोनों सेम टाइप के एसेट हैं, डीजे साहब के हैं. ओके. तो देखो एग्रीगेट हो जाएगा, 66,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. ओके. तो जब टैक्सेबल हो जाता है तो सेक्शन 49(4) लगता है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 36,000 फॉर शेयर्स और 30,000 फॉर गोल्ड. और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होगा? जब से मिला है तब से. करंट ओनर का जब से इसको असेट मिला है तब से. और जिसने ट्रांसफर किया है उसके हाथ में सेक्शन 47 लगेगा, उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा. इज इट क्लियर? यस. ओके. अब एक्विजिशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एट कंसेशनल रेट, मतलब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन. कंसेशनल रेट मतलब क्या? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन देंगे लेकिन आपको मेरी स्टोरी याद रखनी है. किंडल की 11,000 का किंडल दिया मुझे दोस्तों ने, लेकिन मेरे से 5,000 लिया. नहीं सॉरी, मेरे से 6,000 लिया था. नहीं सॉरी, मेरे से 5,000 लिया था, 6,000 का गिफ्ट वैल्यू था. सुनो, ऑन 10th 2019 कमल परचेस ज्वेलरी फ्रॉम किशोर. परचेस किया है, खैरात में बांटा नहीं, परचेस किया है किशोर, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 46,000, लेकिन 30,000 मिली. तो इनएडिक्वेट कितना हो गया, गिफ्ट वैल्यू कितना हो गया? 16,000. And Kishore had acquired such jewelry for 25,000. चलेगा, किशोर की बात रहेगी. मुझे बोलो पहले तो ये 16,000 कमल के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा.
क्योंकि सिंस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी डज नॉट एक्सीड 50,000 हेंस इट इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बनेगा 30,000, क्योंकि हमने 46,000 पे टैक्स थोड़ी ना क्या भरा, वो तो 30,000 ना, अब तो प्रीवियस ओनर का बनेगा. अरे तुम समझ रहे हो क्या बता रहा है, प्रीवियस ओनर का नहीं, करंट ओनर का बनेगा, परचेस किया है ना इसने, परचेस किया अक्वायर्ड है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 30,000. पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, जब से उसने लिया हुआ है, करंट ओनर, ये नॉर्मल सिचुएशन है. को और किशोर के हाथ में क्या होगा, किशोर के हाथ में सेल कंसिडरेशन आएगा 30,000 का, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नहीं दिया हुआ है, तो नील, ठीक है ना, नेट कंसिडरेशन आ गया 30,000 का, नेट कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 5,000 का. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही क्यों सर, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं, क्योंकि उसने परचेस किया था 2019 में और उसने सेल किया है 2019 में, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर ज्वेलरी है और लेस देन 36 मंथ है. ये तुमको समझा मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो चैप्टर चालू है तुम्हारे, कैपिटल गेन भी चालू है और IFOS भी चालू है. कहाँ गए सब लोग, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Thank you for giving me support. यहाँ पे बारिश होना चालू हो गया है, अच्छा लग रहा है, अभी नहीं तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था. अभी क्या हो गया, जनक आपको जब गर्म होना चालू होता है तो आप फास्ट 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 बोलते हो. अच्छा ऐसा है, तो अभी थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं स्लो बोलू फिर. मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है यार, तुम लोगों को फटाफट समझ में आने चाहिए. आई अज्यूम यू आर अ CMA स्टूडेंट, और आप, मैं अज्यूम करता हूँ जिनका TY हो गया है वो लोग प्लीज बता दो, क्या ये सब TY में होता है, सेक्शन तो है TY में लेकिन क्या ये सब होता है TY में? नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा सब TY में नहीं होता, आपको समझ रहा है ना, इतना TY के बच्चे नहीं सोचते. TY के क्या, जिनका MCOM भी हुआ रहेगा ना उनको भी आप पूछ लोगे ना, वो लोग भी इतना नहीं सोचते यार, ठीक है ना, वो तो आप लोग CMA कर रहे हो करके आप लोगों की मजबूरी, आपके पास चॉइस का है नहीं सोचने का, यू मस्ट थिंक, यू डोंट हैव चॉइस. तुमको लगता है IFOS लुक्खा चैप्टर है रे, है नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि तुमको ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे, पास हो जाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो गिफ्ट 50,000 के ऊपर टैक्सेबल, ऐसा नहीं होता. यू नीड टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल. तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट आपको कितना मदद कर रहा है, कितना सिखा रहा है कि खाली ट्रांसफरर का मत सोचो, ट्रांसफरी का भी सोचो. पता चला ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स प्लानिंग कर लिया और ट्रांसफरी की लग गई. आगे चलू, आप बोलो तो आगे चलता हूं. चलो चलो, थैंक यू. जनक परचेस ज्वेलरी फ्रॉम हिज फ्रेंड गिरी, फेयर मार्केट वैल्यू 66,000 था, परचेस किया 30,000 के लिए, इनएडिक्वेट 36,000 का, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे. फर्दर एज ऑन 1st November 2000 ही आल्सो परचेस सिल्वर यूटेंसिल, फेयर मार्केट वैल्यू 1,00,000 का है, ठीक है ना, फ्रॉम अनदर फ्रेंड फॉर 75,000. तो यहाँ पे 25,000 का गैप आ गया, तो दोनों का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 1,66,000, ठीक है ना, और परचेस कितने में किया इसने, 30,000 प्लस 75,000 में, ठीक है ना, तो गैप कितने का आ रहा है, दिख रहा है दोनों में गैप कितने का आ रहा है, 61,000 का. बोलो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इतना है, ये गिफ्ट वैल्यू है, गिफ्ट वैल्यू इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की वैल्यू है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 61,000 टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, क्या ये ज्वेलरी और सिल्वर यूटेंसिल एक ही कैटेगरी के हैं? बोलो क्या एक ही कैटेगरी के हैं? हाँ बाबा, एक ही कैटेगरी के होते हैं, दोनों एक ही, दोनों डीजेस आप में मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं. द वैल्यू एक्सीड 50,000, हेंस 56 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल एंड 61,000 विल बी टैक्सेबल, ठीक है ना, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी मार्केट वैल्यू, क्योंकि आपने 61,000 पे टैक्स भरा है तो मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है, ठीक है ना. कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड हाउएवर
नोटेड है 50C इज नॉट एप्लीकेबल टू मूवेबल एसेट. तो उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में कैपिटल गेन कंप्यूट होगा लेकिन 50C नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ज्वेलरी और सिल्वर है, 50C खाली इमूवेबल एसेट को लगता है. फिर उसके बाद रिलेटिव की डेफिनेशन है, वो हमने कर ली. ये सब बातें हमने कर ली थी. ये सेक्शन याद आ रहा है आपको, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B अमेंडेड करके लिखा हुआ है यहाँ पे. ये याद आ रहा है क्या, लवली एक्सपोर्ट का केस? थैंक यू. उसके नीचे आपके मॉड्यूल ने भी एग्जांपल बना के दिया हुआ है. आपको पता है मैंने सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या एग्जांपल लिया था? ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्या तुम लोग कर लोगे? यस सर. करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस कहाँ है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था. ये भी हो गया, ये भी हो गया. नहीं, ये पीजीबीपी में होगा ऊपर वाला. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात हो गई है. सेक्शन 94 अभी नहीं लेता, पेंडिंग रखता हूं. मैंने आपको बताया था ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बॉन्ड स्ट्रिपिंग का केस है. वो आपने कैपिटल गेन में भी मुझे पूछा था एक आध क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 या 90 है, 19 है वहां पे. वो भी पेंडिंग रखे आए हम लोग, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. खत्म नहीं हुआ लेक्चर, जाओ मत किधर इधर उधर. डिविडेंड के ऊपर मैंने पूछा, हाँ नहीं तो पता चला मजे मजे में चले गए. मैंने कल ही बोला 94 अभी नहीं पढ़ा, 94 पेंडिंग रख रहा हूँ. डिविडेंड पूरा मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, डिविडेंड पूरा पढ़ा दिया. आपके मॉडल ने डिविडेंड का यहाँ पे समरी चार्ट बना के दिया हुआ है पेज नंबर 332 पे, ठीक है ना? पढ़ लेना, आपको पढ़ना होगा. तो ये मैंने 115O में ये कैलकुलेशन करके बताया था कि उसका टैक्स कैसे निकलता है. इसके बाद भी इसमें 12% सरचार्ज लगता है, 12% सरचार्ज और ऐड होता है और 4% सेस ऐड होता है. डिविडेंड कौन सी ईयर में टैक्स होगा, ये सेक्शन 8 बोलता है. कौन सी ईयर में टैक्स होता है? नॉर्मल डिविडेंड जो होता है वो जिस ईयर में डिक्लेयर होता है उस ईयर में टैक्स होता है. इंटरिम डिविडेंड जब होता है वो जब अनकंडीशनली मेड अवेलेबल किया जाता है शेयर होल्डर के लिए उस ईयर में टैक्स होता है. एंड डीम डिविडेंड इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स होता है. इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि डीम डिविडेंड डिक्लेयर थोड़ी ना क्या होता है, वो चोरी चोरी चुपके चुपके दिया जाता है. प्लेस ऑफ अक्रूवल की बात हमने कर ली थी 914 में, जहां पे कंपनी है इंडिया की कंपनी रहेगी तो माना जाएगा डिविडेंड इंडिया में अक्रू हुआ था. ये सब बातें हमने कर ली है. 1035 में म्यूचुअल फंड का इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ये भी मैंने बता दिया. 58 आपको लिखना है, ये मैंने बता दिया. 59 डीम्ड इनकम है, जब सेक्शन 41 हो जाएगा पीजीबीपी का ये आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. इलस्ट्रेशन 2 मॉड्यूल का, ठीक है ना? चलो बोलो. ट्यूशन फी, प्राइवेट ट्यूशन फी चैप्टर बोलो. मिसेस एक्स का इनकम निकालना है, जल्दी बोलो. चैप्टर कौन से चैप्टर में टैक्स होगा, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट क्या है ये? ट्यूशन फी टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, जल्दी बोलो. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी लगी है 2000 की, बोलो टैक्सेबल है नहीं है? टैक्सेबल. 115BB मतलब एट द रेट ऑफ 30% डायरेक्ट 30% टैक्स लगेगा इसके ऊपर. अवार्ड फ्रॉम केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो, बोलो. और ग्रॉस मतलब ग्रॉस ही दिया, अगर उन्होंने नेट दिया होता तो ग्रॉस बनाना पड़ता हमें, याद आ रहा है आपको? ये भी लगेगा 150 एट द रेट ऑफ 30%. कौन बनेगा करोड़पति, 30% टैक्स. पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड, बेचारा हस्बैंड मर चुका है और उसके यहाँ से उसकी कंपनी से पेंशन मिला, कितने का पेंशन मिला? 25,000 का. क्या पूरा टैक्स होता है, बोलो? वन थर्ड आ रहा है 8,333 या 15,000, विच इज लोअर, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 8,333. हाँ, तो फिर उसमें से माइनस करेंगे 25,000, तो टैक्सेबल आ जाएगा 16,670. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना? डायरेक्टर फीस, ये भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, ये भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. रेमुनरेशन फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर स्कूल, एम्प्लॉयर कोल स्कूल, ये तो कौन से चैप्टर में टैक्स होता है? एम्प्लॉयर का स्कूल IFS में टैक्स होता है. रेमुनरेशन फॉर चेकिंग एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ CA इंस्टीट्यूट, ये होगा टैक्सेबल IFOS में टैक्सेबल. इनकम टैक्स रिफंड, ये टैक्सेबल नहीं होता, ये इनकम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये इनकम है, IFOS में टैक्स होगा. कंपोजिट रेंट जो है
कंपोजिट रेंट वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है 5000 उसका सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलेगा। रेंट ऑफ सबलेटिंग, सबलेटिंग तो टैक्सेबल होता है, तो सबलेटिंग पे कितना कमाया जा रहा है 20,000, लेकिन वो देना कितना पड़ रहा है उसको 12,000, तो 56 अगर टैक्सेबल लेगा तो 57 आपको डिडक्शन दे देगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स थोड़ा क्या हम लोगों का डिडक्शन होता है, पीजीपीपी में फिर पढ़ाऊंगा ये बात। पर्सनल एक्सपेंस वो भी डिडक्शन नहीं मिलता। पेमेंट मेड टू एलआईसी ये एटीसी में इसका डिडक्शन मिलता है। ओके तो देखो इसका इनकम कैसे कंप्यूट किया गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे 833 माइनस किया गया, बाकी सब तो टैक्सेबल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब हम पढ़ क्या रहे थे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, तुम समझ रहे हो, ये टैक्सेबल है जो सैलरी किया गया है, टैक्सेबल इनकम सब लेटिंग का 12,000 माइनस किया हुआ है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स नॉट डिडक्टेबल, मैं तो सेक्शन भी लिख दू 58 में नॉट डिडक्टेबल है ये। क्वेश्चन इजी था, ये पास्ट एकदम क्वेश्चन है हम। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर ही लोगे, वो ना क्या मैं बता रहा था कि लुक्के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन लुक्के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने होते हैं। श्री अनिल फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चलेगा, सेक्शन 145 ने अलाउ किया इसको कैश बेसिस फॉलो करने के लिए। कैश बेसिस मतलब जब एक्चुअल में अकाउंट में पैसा आएगा तभी टैक्स भरेगा। And furnish the receipt and payment account for the year 1920 for computing his income. Okay, तो क्या क्या किया इसने? Interest on listed debenture 16,200 का इसने receive किया हुआ है। चलेगा। Letting of building and machinery. अब इन्होंने यहाँ पे gross है कि net है वो बोला नहीं है। ये gross है कि net है बोला नहीं। अगर net assume करेंगे तो इसको gross करना पड़ेगा। देखेंगे answer ने क्या किया हुआ है। जब कुछ नहीं बोलता ना तो usually है ना, इसको नेट मानने का, बाय डिफॉल्ट इसको नेट मानने का। तो ये 16,200 नेट है, नेट है मतलब नेट मानना पड़ेगा हमें। तो 16,200 आफ्टर 10% डिडक्शन होता है टीडीएस ना, यहाँ पे 10% होता है इंटरेस्ट का, तो उसका ग्रॉस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये रिसिप्ट बोला है ना, ये रिसीव्ड अमाउंट है, तो ये नेट ही होता है हमेशा। लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग 15,000 पर मंथ कंपोजिट रेंट, तो 15,000 से इसने रेंट लिया हुआ है 1,50,000, चलेगा। कलेक्शन चार्जेस इसका डिडक्शन दे देंगे, ये रेंट कलेक्शन के सामने माइनस हो जाएगा, रिपेयर भी माइनस हो जाएगा, कैपिटल रिपेयर माइनस नहीं होगा, इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, बताओ डिडक्शन देंगे क्या? टैक्सेबल नहीं बाबा, टैक्सेबल नहीं अम्मा, इसका डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना, डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर, फादर बताओ कौन होता है, फादर होता है रिलेटिव, इसलिए एग्जम्प्ट, और ऐसे भी नॉन रिलेटिव भी होता तभी भी एग्जम्प्ट हो जाता, 6,000 ही तो दिया हुआ है। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो ग्राउंड रेंट करके कुछ होता है तो उसने लास्ट ईयर का अभी दिया हुआ है, ठीक है। पूजा मारा मारी मत कर प्लीज, ठीक है ना। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ओके, अलाउंस ऑफ डिप्रेशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो डिप्रेशन उन्होंने कंप्यूट करके दिया हुआ है वही माइनस कर देंगे। फायर इंश्योरेंस नॉट पेड अभी तक पे नहीं किया, और उसने कौन सा मेथड फॉलो किया था, जल्दी बोलो कौन सा मेथड फॉलो किया था, कैश डिडक्शन नहीं देंगे, ये अक्रूड है लेकिन पे नहीं किया, तो इसका डिडक्शन नहीं देने का। देखो इसको डिवाइड करके 90 करके निकाला, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ग्रॉसिंग अप बोलते हैं, ग्रॉसिंग अप, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का लर्न करो। अगर उन्होंने नेट दिए तो हमें ग्रॉस करना होता है, ऊपर क्यों नहीं किया सर, क्योंकि ऊपर जो नंबर दिए गए थे वो ग्रॉस ही थे। सर आपको कैसे पता ये 90 लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर 194A, सेक्शन 194A में 10% का टीडीएस लगता है। सर हमको तो नहीं पता 194A, हाँ बाबा तो टीडीएस का चैप्टर अभी हुआ नहीं है ना, वो तुम्हारे मॉड्यूल को नहीं पता कि तुम्हारा टीडीएस का चैप्टर नहीं हुआ है, तो 194A में 10% का टीडीएस लगता है, इसलिए ग्रॉसिंग अप करने के टाइम पे 90 से डिवाइड किया। लॉटरी का ग्रॉसिंग अप जब करना होगा तो 70 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 30% का टीडीएस है। हाँ मैंने क्या क्या बोला, आई होप आप लोगों को। सर सुनो वो 70 का वो बोलो एक बार वापस, टीडीएस को। अगर मुझे लॉटरी लगी, लॉटरी, और लॉटरी में मैंने ना रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड 35,000, मैंने 35,000 रिसीव्ड किया, तो पता है मेरा इनकम कितना होगा, मैंने रिसीव्ड किया 35,000, 30% का टीडीएस होता है 194B में, इसका टीडीएस होता है 194B में 30%, मतलब ये जो अमाउंट है ये 70% अमाउंट है, तो 35,000 का ग्रॉसिंग अप 50,000 टैक्सेबल होगा, ऐसा लॉटरी का होता है,
ऐसा मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़ लेना। मेरे साइज से चैप्टर थोड़ा संपा, एक्सेप्ट 94 वाला सेक्शन। मैंने 94 नहीं पढ़ाया हुआ है, वो पढ़ाने के लिए मुझे अच्छा खासा एनर्जी लगेगा। आप लोग भी अभी थक गए हो, तो आई होप इट्स एडवाइजेबल टू कंटिन्यू लेक्चर टुमारो ओनली, कि शाम को लेना चाहिए। आपका क्या मानना है? दो घंटे बाद नहीं, 5 बजे? कल ठीक है, चलेगा चलेगा। अभी लास्ट का एक मिनट बचा हुआ है, कुछ पूछना है तो पूछो। अभी वो लिखना भी है फिर टैक्स का? हाँ, वो लिखना भी है, और वो मैंने बोला होमवर्क भी दिया आप लोगों को। ऊपर एक मैंने इलस्ट्रेशन लिया नहीं है इमोबल प्रॉपर्टी का, उसकी जगह पे मैंने क्या किया, सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पढ़ा दिए, क्योंकि आपके मॉडल में तो आपके क्वेश्चन पहले से है ना, तो बाहर का क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको। ऊपर पता है ना हमने होमवर्क छोड़कर आए एक इमोबल प्रॉपर्टी का होमवर्क है बाबा, वो कर लेना। और ये भी एक होमवर्क है, और ये भी मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है शेष का, तो प्लीज कर लो। कल मिलते हैं फिर, कल का लेक्चर में ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। बाय बाय सर। आधा घंटे एक घंटे पहले बोलना लेक्चर कितने बजे है वो। सर बराबर पूजा। ओके ओके ओके। अभी जाओ घर सर, अभी घर जाओ। बाय 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 सर, जाओ अभी घर जाओ। बाय। गए बेचारे रे आज सर, हम थक गए।